ये है वो कचौरी गर्मा गर्म, और इस तरीके से ये कढ़ाई के अंदर गर्मा गर्म तली जाती है, और जिसको देख के बस आपका जो है दिल करेगा कि बस जल्दी से प्लेट में आ जाए और खाते रहें। और ये मैदे की बनती है ना? हाँ जी। इसके अंदर कुछ अजवाइन नमक मिर्च मसाला डाला जाता है इस आटे के अंदर, ये जो आपने बना रहे हो? अंदर तेल डालते हैं, पानी अंदर से खोल करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मसाला इसके अंदर भरा हुआ है सर, क्या कहूँ आपकी तारीफ में। सो हेलो फूड लवर्स, सो आज मैं आपको खिलाने के लिए लेकर आया हूँ ब्रिजवासी कचौरी। सबसे पहले थोड़ा मार्केट का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कि पूरी की पूरी मार्केट है, और किस मार्केट में खड़ा हूँ और इसकी क्या लोकेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा पहले कैमरे में दिखा देता हूँ आसपास का व्यू। ये पूरी मेन मार्केट है शहर की। तो ब्रिजवासी कचौरी खाने के लिए चलते हैं हम अपने यूपी वाले भाइयों के पीछे। ये मसाला है जो कचौरी के अंदर भरा जाता है, सही कह रहा हूँ सर? ये है वो कचौरी गर्मा गर्म, और इस तरीके से ये कढ़ाई के अंदर गर्मा गर्म तली जाती है, और जिसको देख के बस आपका जो है दिल करेगा कि बस जल्दी से प्लेट में आ जाए और खाते रहें। और ये मैदे की बनती है ना? हाँ जी। इसके अंदर कुछ अजवाइन नमक मिर्च मसाला डाला जाता है इस आटे के अंदर, ये जो आपने बना रहे हो? अंदर तेल डालते हैं, पानी। अच्छा, तेल और पानी, तेल पानी नमक। और ये मसाला किस चीज़ का है सर? आलू है, इसमें अदरक हरी मिर्च धनिया पुदीना ओके और जीरा हींग हल्दी मटर। ओहो, इतना कुछ डालते हो सर। तो ये भाई है साथ में जो काम करते हैं इनके, ये आपके पापा जी है ये? यस सर। ओके, तो आपका क्या नाम है? मोनू। तो मोनू भाई, तो एक प्लेट लगा दीजिए हमारे लिए, हम खा के देखते हैं कि क्या है स्वाद। आप कचौरी खाने के लिए आए हो? खा चुके हो या पैक करवा रहे हो, क्या कर रहे हो? खा चुके हो। तो इनकी कचौरी के बारे में बताएं कि इतनी लजीज कैसे है, ये स्वाद कैसे है? हमने अभी तक खाई नहीं, हमें बताया था कि भाई वहाँ पे जाके आओ गांधी चौक पे मोती नगर में। तो 3 साल से खा रहे हैं। 3 साल से, क्या बात है सर। तो ऐसा क्या खास लगा कि आप बार बार आते हो इनके पास खाने के लिए? स्वाद ही इतनी है। स्वाद ही इतनी है। चटनी का बताओ थोड़ा राज, ये कहाँ पे पड़ी है ये? ये नीचे आओ, उठा के दिखाओ, ये पूरा मर्तबान दिखाओ, कैसे है, कैसे बनी हुई है ये, थोड़ा सा इसका बताओ। धनिया पुदीना हरी मिर्च। अच्छा, इसको घोल के दिखाना थोड़ा सा चम्मच से, लपटे झपटे तो देखनी पड़ेगी ना इसकी। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा मिर्च तो नहीं होती ना इसमें? नहीं। क्या बात, ये एक सोलो चटनी देते हो और प्याज देते हो? अरे सॉरी, ये छोले भी है क्या अपने पास? जी, जी। तो यार छोले भी दो यार, छोले भी खाएंगे हम, देख छोले के दर्शन दिखा दो। ये देखिए ये तड़का तड़का कैसा लगा रखा है, ये लहसुन प्याज वाले हैं कैसे हैं? जी जी, लहसुन प्याज जी। अच्छा, प्रॉपर सब्जी टाइप है? क्या बात है, बढ़िया है यार ये तो। फिर लगाओ इसको, ये देखिए। पर हमने तुड़वाई नहीं है, ये तोड़ के छोले डाल के अगर किसी ने खानी हो तो ऐसे देते हैं, लेकिन हमने अलग से छोले लगवाए हैं और ये जो है कचौरी ऐसे हमने ली है। भाई बोलते बोलते भूख तेज हो चुकी है मेरी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, और ऐसा नाश्ता मिल जाए, इसको कहते हैं नाश्ता, लंच कुछ भी कह दो, आ जाए एक बार फोकस में ले ले। तो ये देखिए अंदर से खोल करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितना अच्छा मसाला इसके अंदर भरा हुआ है। अगर ये उड़द की दाल वाली नहीं है, ये स्टफिंग वाली है जिसके अंदर आलू वगैरह अदरक लहसुन बहुत कुछ मिक्स किया हुआ है। तो ये हम छोलों के साथ बाइट बनाते हैं इसकी, छोले प्याज के साथ एक नया फ्लेवर हम बनाते हैं खाने के लिए। और छोले भी बिल्कुल अलग टाइप के लग रहे हैं ये। मज़ा आ गया सर। चटनी बढ़िया है? तो भाई साहब कह रहे हैं चटनी बढ़िया है, तो भाई मज़ा आ गया ब्रिजवासी कचौरी की। एक ही बाइट ली है, और एक बाइट में ही मैं बोल सकता हूँ जन्नत के नज़ारे। क्लोजअप दिखा थोड़ा सा, ये छोले दिखा सर। छोलों में बहुत अच्छा आपने मसाले डाल के बढ़िया बना रखे हैं। चाय सर मिल जाएगी? हाँ हाँ,
दो कप चाय, दो चाय बढ़िया सी बना दो, बढ़िया सी बना दो एकदम मक्खन मार के, क्योंकि इसके साथ चाय तो चाहिए भाई, चाय के साथ तो और मज़ा आ जाएगा। ये दिखा भाई, सर क्या कहूँ आपकी तारीफ में, शब्द ख़त्म हो जाएंगे, नज़ारे आगे कचौरी खा के। सीरियसली कोई मजाक नहीं है, ये कोई ओवर प्रेजिंग नहीं कर रहा मैं। भैया आप पास में ही रहते हो? नहीं, कहीं और अच्छी है। फर्स्ट टाइम खा रहे हो ना? सीरियसली बताना अगर फर्स्ट टाइम खा रहे हो। मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ और मेरे को तो जन्नत के नज़ारे वाली फीलिंग आ गई, बहुत अच्छी है ना। और ऐसे जो भरमी जो कचौरी होती है ना, प्याज आलू मिक्स, हाँ वो मिलती भी नहीं है, कम जगह पे रखते हैं लोग, है ना। तो ब्रिजवासी कचौरी वाकई में ही बहुत बढ़िया है यार। अपनी टाइमिंग बता दो एक बार दर्शकों की, दिखा। सुबह 10 से 4, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक काम करते हैं अपना। कचौड़ी छोले दो ही आइटम मिलती है और चटनी वगैरह साथ में मिलती है। तो अभी मैं थोड़ा सा एड्रेस और तरीके से समझाना चाहता हूँ। आ जा थोड़ा आगे आ जा, यहाँ पे पीछे फेमस एक दुकान है बनारसी दास हलवाई, उसके सामने ये चौक आता है। और इधर दिखा दूँ, मोती बाज़ार और तिलक बाज़ार समथिंग ये एरिया है। इधर को ये राजगुरु मार्केट की तरफ जाएगा और इधर ये जाएगा आगे नगोरी गेट की तरफ। इधर आया थोड़ा आगे आ जा, है ना। ये चाबियों वाले बैठे होते हैं चौक पे, इस चौक पे ही है ये दुकान है। इधर जाएगा नागोरी गेट की तरफ। ये भटूरे भी बनाता है क्या? अच्छा, तो भटूरे भी बनाता है, ये भी नहीं पता था। 10 से 4 टाइमिंग, ये पूरी लोकेशन मैंने समझा दी है, सुपर। आया उधर आ जा, तो ये है भैया मोनू भाई है और इनके पिताजी हैं। आपका क्या नाम है? देवीलाल जी है, ठीक है। मज़ा आ गया इनकी कचौरी खा के। तो इस वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह चटपटी चटोरी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू।